मेरी इच्छा है कि मैं ये अनार बम किसी चोटी पर छोड़ूं और वो नजारा बहुत शानदार लगे। चोटी पर रख कर छोड़ना है? ला मुझे दिखा। अरे मेरे बाप, ये क्या कर रहे हो आप? दिमाग की हट गई है क्या? अरे तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। ये क्या अनर्थ कर दिया? अब मॉम तांडव करेंगी। मॉम के प्रकोप से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मनोज बाप। अरे तूने ही तो बोला था चोटी पर रखकर छोड़ने को। मैंने तेरी माँ की चोटी पर रख दिया। मैंने ऊंची चोटी पर रखकर छोड़ने को बोला था, जैसे कि पेड़ की चोटी। ये तो भारी भूल हो गई। इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। मेरी गंजी मॉम। अरे नालायक, क्यों गुस्सा दिला रहा है उसको? भागने की गलती मत करना, अब तुम मेरे निशाने पर हो। अरे इसको अंदर रख ले, इसके चलने से आदमी मर जाता है। अब मैंने तुमको टारगेट बना लिया है, अब मैं तुम्हारे सर पर ही बम फोड़ूंगी। टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो मॉम? खटका दबाओ और खेल खत्म करो। इन्होंने अपराध ही ऐसा किया है। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, अब बाहर कैसे जाऊंगी मैं? लोगों से कैसे मिलूंगी? मुंह तो तेरा ठीक है, सच कहूँ तो पहले बालों में अच्छी नहीं लग रही थी तू, अब हॉट और सुंदर लग रही है। मेरा कलेजा मत फूको, बिना बालों के कैसे जीऊंगी मैं? अरे तो घूंघट करके रहना ना, अपना गंजा सर किसी के सामने चमकने मत देना। अबे बेवकूफ, बाल ही तो एक औरत को सुंदर बनाते हैं। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे माफ कर दो पत्नी महारानी, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दूंगा मैं। क्या जुगाड़ करेगा? मेरे बाल वापस उगा सकता है? कितने सुंदर बाल थे मेरे, पिछवाड़े से नीचे तक जाते थे। लैटरिन में बैठते समय गर्दन में लपेटना पड़ता था बालों को। डैड, तुमने हजारों निर्दोषों जुओं की जान ले ली, उनका घर उजाड़ दिया। अबे चुप करना लायक, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक विग खरीद कर लाता हूँ। ये राज राज ही रहना चाहिए, इस बात का किसी को पता न चले कि मैंने विग लगाई है। अब ज्यादा मुंडी मत हिलाना वरना विग निकल कर गिर जाएगी, अभी ठीक से चिपकी नहीं है ये। मेरी चिंता छोड़ो, अब नंबर तुम्हारा है। नंबर? कैसा नंबर? लपट्टी, वो वाला बॉम्ब लेकर आओ जो तेरे बाप ने मेरे सर पर रखा था। मॉम, वो तो छूट गया ना। अरे उसके जैसा लेकर आ दूसरा। ले ले बदला तू भी, कर दे मुझे गंजा। मैं ये आपके सर पर नहीं, आपके मुंह में लगा कर छोड़ूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना, मेरा मुंह फट जाएगा। मॉम, आपने इस बार सही जगह दिमाग लगाया है। लपट्टी बेटा, मेरे हाथ खोल दे या पैर खोल दे, वरना आज ये मेरे मुंह का भंबाड़ा बनाकर छोड़ेगी। अब क्या हासिल कर लिया तूने मेरे मुंह से आग निकाल कर? शुक्र मनाओ, ये आग तुम्हारे पिछवाड़े से नहीं निकली, वरना इरादा मेरा वही अनार फिट करने का था। मॉम, आपने इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे निकाल दिया? कितना मजा आता जब डैड के पिछवाड़े से आग निकलती। हाँ, बना दो मेरा मजमा, ऊपर वाला सब देखता है। बेटा, अपने इस मोटी बुद्धि वाले बाप के हाथ पैर खोल दे, क्योंकि घर पर कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। आ गए आप लोग, ये तो सौभाग्य है मेरा, मोस्ट वेलकम। वेलकम तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि एक बुजुर्ग आदमी घर पर आया है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले लूं? अगर मैं पैर छूने के लिए झुकी तो मेरा विग उतरकर नीचे गिर जाएगा। अब और कितनी बेइज्जती करवाएगी, जल्दी से पैर छू ताऊ के। नहीं, मैं अभी इनके पैर नहीं छू सकती। क्यों, ताऊ के पैरों में क्या कांटे लगे हैं? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? दिवाली के दिन तो वैसे भी सब बड़ों के पैर छूते हैं। आज दिवाली है ना, और दिवाली के दिन मैं किसी के भी पैरों को हाथ नहीं लगाती हूँ। तो पैरों को हाथ मत लगा, थोड़ा सर झुकाकर ही प्रणाम कर ले। झुकने में भी तो विग गिरने का खतरा है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। लगता है ताऊ, यहाँ तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। लगता है इसके घर वालों ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं है। चलो एक सुटली बम तो हाथ लगा, रास्ते में छोड़ूंगा। इस बच्चे को देखो, इतने सारे पटाखे लेकर बैठा हुआ है लेकिन छोड़ा एक भी नहीं है। मैं अभी चरखी घुमाकर दिखाता हूँ, दिवाली है, फुल एंजॉय करेंगे। अरे अरे, ये क्या आइटम है भाई, हटाओ मेरे पास से।
बताऊं ये लुंगी धुआं कैसे छोड़ रही है? अरे पिछवाड़ा जल रहा है इनका, इस लुगाई ने पैर नहीं छुए ना इनके। ये कैसा धमाका हुआ भाई ताऊ की लुंगी में? हे प्रभु हरिराम प्रेमानंद बचा लो मुझे। अरे ताऊ अब खड़े हो जाओ। ना लल्ला अब खड़े होने की हिम्मत नहीं बची है मेरे में। अरे ताऊ एक बार कोशिश तो करो, दूसरे के घर आकर पढ़ना ठीक नहीं है ऐसे। अरे भैया बिना सहारे के नहीं उठा जाएगा, मैं उठा देता हूँ ताऊ को। अरे ये कैसा धमाका था? इतना खतरनाक धमाका तो मेरी लुंगी में भी नहीं हुआ था। चलो इसी बहाने खड़ा तो हुआ। कौन? ये बुड्ढा, सॉरी सॉरी मेरा मतलब ताऊ। बेटी ना तो तूने चरण स्पर्श किए और ना ही झुककर प्रणाम किया, फिर भी मैं तेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सर पर हाथ रखते समय मेरी विग निकल गई तो क्या होगा? खबरदार ताऊ अगर मेरे सर पर हाथ भी लगाए तो। ये कैसी लुगाई है तेरी, मेरा आदर तो किया नहीं और मेरा आशीर्वाद लेने से भी मना कर रही है। अरे ताऊ आप तो बात दिल पे ले गए। तूने बात ही दिल तोड़ने वाली की है, इतने तो बुरे नहीं हैं हम। अरे ताऊ जी आज दिवाली पर मेरा व्रत है ना, तो ना मैं किसी मर्द को छू सकती हूँ और ना ही किसी गैर मर्द से अपने आप को छुआ सकती हूँ। आज तक इस पूरे मोहल्ले ने मुझे गैर नहीं समझा, तूने मुझे गैर बताकर मेरा दिल तोड़ दिया। ये बहुत खतरनाक बम है, इसके धमाके से पूरा घर दहल जाएगा, सब हिल जाएंगे। अरे तो इसका प्रयोग करो, जरा हम भी देखें इसका धमाका। भाई लोगों सब अपने कानों पर हाथ लगा लेना। हे भगवान मैं क्या करूं, मेरी तो इज्जत नीलाम हो गई। अरे नाटक क्यों कर रही है, अभी तुझे किसी ने देखा नहीं है, जल्दी से अपना विग लगा ले। वाह क्या धमाका था, मेरे तो कानों के पर्दे फटने से बचे हैं। मैं तो वाइब्रेशन से ही गिर गया, मेरी इज्जत बच गई। आपकी इज्जत को कौन सा खतरा था? कुछ नहीं जानू सब ठीक है बस। तूने जानू बोला इसको? अरे मोटी बुद्धि के आदमी, मैंने बोला कि कुछ नहीं जाने दो ठीक है सब। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब आप पटाखे को रहने दो, तेज धमाका होता है इससे, अब रॉकेट उड़ाओ। मैं अभी छोड़ता हूँ रॉकेट। अरे बहू तो नंगी हो गई, मेरा मतलब गंजी हो गई। नकली बाल लगा रखे थे इसने। अरे मैं तो दिल दे बैठा था इसको, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये तो नंगी मेरा मतलब गंजी है। इसका गंजा टकला देखकर मुझे तो घिन आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है इसके टकले पर रखकर एक सुतली बम फाड़ दूं। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत नीलाम हो गई चार आदमियों में, तुमसे किसने बोला था रॉकेट छोड़ने के लिए? अरे इसमें मेरी क्या गलती है, और कब तक डरती रहोगी जमाने से, सच छुपता नहीं है छुपाने से। गलती मैं अभी बताती हूँ, जमाने से डरना भी भुला दूंगी। अरे नहीं नहीं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे मुझे।